आवाम पर महंगाई का नया तूफान, मार्केट में आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा। आटा 15 रुपये फी किलो महंगा, कीमत 115 से बढ़कर 130 रुपये हो गई। 20 किलो आटे का थैला 2450 से बढ़कर 2600 रुपये का हो गया। गंदम के निर्खोपन मार्केट में 5000 फी मन से तजावज कर गए। चेयरमैन फ्लॉर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं, गंदम सरकारी निरखों पर मिलेगी तो रेट नहीं बढ़ेगा, वरना आटे की कीमत को रोकना मुमकिन नहीं। आटे के बहरान पर काबू ना पाया जा सका, यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ फ्राहम ना कर सके। सस्ते स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की अदम दस्तियाबी का मसला बरकरार। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब, सार्फिन सस्ते आटे की खरीदारी के लिए चक्कर लगाने पर मजबूर। महंगाई के सताए आवाम को बिजली का झटका, बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी। नेप्टा ने महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में रेट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों का इतलाक रवा माह बिजली के बिल्स पर होगा, सार्फिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का बोझ भी पड़ेगा। मोटरसाइकिल ने भी हाई स्पीड पकड़ ली, अवामी सवारी भी अवाम की पहुंच से कोसों दूर। यामाहा मोटरसाइकिल की कीमतों में 15,500 रुपये तक का इजाफा। YP125C 1,35,000 रुपये से 3,56,000 रुपये की होगी। YP125 GTX 15,000 महंगी, नई कीमत 3,81,500 रुपये मुकर्रर। मौसम गर्मा में भी गैस की बंदिश से निजात न मिल सकी, फतेहगढ़ के इलाके अमीन कॉलोनी में गैस की लोड शेडिंग जारी। सबर का पैमाना लबेस हुआ तो रिहायशी सराफे एहतजाज बन गए, कहते हैं कि कब गैस आए कब चली जाए कुछ पता नहीं। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन खसाने पर बोझ बन गई, मेट्रो ट्रेन के लिए मजीद 2 अरब से ज्यादा फंड सरकार। महकमा ट्रांसपोर्ट ने आइंदा मालिस्तान के लिए पंजाब हुकूमत से रकम मांग ली। ऑरेंज ट्रेन पर एक्सम बैंक चाइना के कर्ज के 165 अरब रुपए खर्च हो चुके। समान पार्क वाकयात में GIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तें, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरब्राहिम में 3 रुकनी बेंच ने समाप्त की। अदालत ने IG पंजाब और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को आज ज्यादती हैसियत में तलब कर लिया। दोनों ऑफिसर्स को दस्तावेजात और रिकॉर्ड ना आने पर तलब किया गया। परवेसी लाए के घर छापे का मामला, एंटी करप्शन के खिलाफ तोहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाप्त। एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला वकास हसन पेश, हिफाजत जमानत के बावजूद कैसे गिरफ्तारी के लिए गए अदालत के इस्तफसार। जिस मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए गए इसमें जमानत नहीं थी, गलती से हिफाजत जमानत वाली FIR का नंबर लिखा गया। सरकारी वकील का जवाब, हमें सर्च वारंट दिखाएं, आपने अदालत के हुक्म के मुताबिक क्या रिमार्क्स दिए थे। जस्टिस तारिक सलीम शेख का इस्तफसार, मैं अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन का जवाब, अदालत ने DG एंटी करप्शन समेत दीगर को आज तलब कर लिया। चौथी परवेसी लाए के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात का मामला, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। यह अहम नौयत का मामला है, लार्ज बेंच समाअत करें। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने परवेसी लाए की दरख्वास्त लार्ज बेंच को भिजवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, वकील ने हमजा शहबाज के हाथ से माफी की दरख्वास्त दायर कर दी। मुकर्रर किए गए फीडर पेश होकर हाथ से लगाएं जो मुसलमान हासिल हैं की हद तक तारीख दे रहा हूं। अदालत की रिमार्क्स, नैब तफ्तीशी ने सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ और ताहिर नकवी की बुरी समाअत में 10 मई तक तौसी, आइंदा समाअत पर नैब से सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तलब। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, वज़ीर आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज अदालत के रूबरू पेश। वकील अमजद परवेज की अदम मौजूदगी के बाइस कार्रवाई 10 जून तक मुलतवी, आइंदा समाअत पर वकला बरीद की दरख्वास्तों पर दलाइल के लिए भी तलब।
लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत, ऐसे दस्तावेजात लब करें जिससे केस साबित कर सकें। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत कर दी। सरकारी वकील की दरख्वास्त की मुखालफत, अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुस्तान के खिलाफ मुकदमा की तफसीलात देने की दरख्वास्त, हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन व खुफिया मुकदमात में उस्मान बुस्तान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। एंटी करप्शन से आज जवाब भी तलब, मुआवनत के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया गया। शौकत खानम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का इमरान खान को आराम का मशवरा। अज़रा मेडिकल बोर्ड के मुताबिक आराम ना किया तो इमरान खान की मुतासर टांग में सूजन बढ़ सकती है, सूजन से इंफेक्शन हुई तो दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। इमरान खान को व्हील चेयर के इस्तेमाल की सख्ती से हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात, सूबे में मजमूई अमन अमान की सूरत हाल और दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का गंदम के भरपूर फसल होने पर इत्मीनान के इजहार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के चौधरी शुजात की रहायशगाह भी आमद, अफसोसनाक वाक़े की मासरत की। मोहसिन नकवी ने जख्मी होने वाले सालिक हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला ने सालिक हुसैन और शाफी हुसैन से अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात हासिल की। मोहसिन नकवी कहते हैं जिम्मेदारों का तयन करके बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी के दरबार बीबी पाक दामन आमद मिज़ान पर हाजिरी दी। वज़ीर आला ने मिज़ान के तौसी मंसूबे पर ब्रीफिंग भी ली। मोहसिन नकवी कहते हैं ज़ायरीन के लिए दरबार को खुला रखा जाए, दरबार में कदीमी मस्जिद की तज़ीन और आराइश की जाए, लंगर खाने को दरबार के साथ मुंसलिक किया जाए। इमरान खान के पास कॉल देने के सिवा कोई रास्ता नहीं, 13 जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं, कोई गैर आईनी काम हुआ तो 13 जमातें भी जिम्मेदार होंगी। पहले इमरान खान पर हमला किया, अब गिरफ्तार करना चाहते हैं, कौम को चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होना होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म खिलाफ शेख रशीद की इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन ना हुए तो इंतखाबी मुहिम में एहतजाजी तहरीक में तब्दील हो सकती है। हुकूमत दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने के बजाय सियासी कारकुनान को पकड़ रही है। तमाम इदारों से आइन पर मदरामद की दरख्वास्त करूंगी। इम्पोर्टेड हुकूमत हौसला करके हमसे इंतखाबी मैदान में मुकाबला करे। तहरीक इंसाफ वस्ते पंजाब के सदर डॉक्टर यासमीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। जो अपनी मंशा की वो मुलाजमत या वो मौका उनको नहीं मिल पाता जिसके वो ख्वाहिशमंद होते हैं, जब वो नहीं मिलती तो वो मायूस होने लग जाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मायूसी गुनाह है। इसका मतलब ये है कि हालात जो भी हों, हमें अल्लाह सुभान व तआला की रहमत से मायूस नहीं होना। मायूसी गुनाह है, इंशाल्लाह हालात जल्द बेहतर होंगे। दुनिया में हर जगह हर शख्स के लिए मुनासिब जॉब नहीं, मुस्तकिल मजाजी से मेहनत करते रहें, कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिल्कुल रहमान का पंजाब यूनिवर्सिटी हेले कॉलेज के 11वें कॉन्वोकेशन से खिताब। किसी से अलहक करके इंतखाबात लड़ने का फैसला नहीं हुआ, ट्रैक्टर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, हमें तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं, यूरोप में पार्टी सदर भी खुद को टिकट नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नजरियाती बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निशान वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर का CBD पंजाब प्रोजेक्ट का दौरा, कहते हैं कदमा चौक की मॉल्टिंग पर तामीराती काम पर खुशी हुई। बॉलीवुड जैसे इकदाम से जदीद शहरी तरक्की को फ़रोग देंगे, कोई भी मनसूबा सुस्तवी का शिकार नहीं, तमाम मनसूबे अपनी मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल होंगे।
नालायक अफराद ने इस मुल्क की इंडस्ट्री तबाह कर दी। जितनी महंगाई बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। जब भी नवाज शरीफ इक्तदार में आए, मुल्क तरक्की के बजाय तनसली की तरफ गया। आलमी इदारे कह रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई की शरह 61% है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नमेंट मियां मुंशी अस्पताल में मरीजों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। गुर्दों के मरीजों के लिए डायलिसिस सेंटर्स को 24 घंटे फौरन कर दिया गया। डायलिसिस सेंटर में बेड्स की तादाद भी दोगुना कर दी गई। ब्लड बैंक और लेबोरेटरी टेस्ट की कारकर्दगी को भी बढ़ा दिया गया। बैंकों ने 17,000 रेलवे रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन रोक दी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन को आयब जमा न करवाने पर रोकी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन ने लाइफ सर्टिफिकेट, नो मैरिज सर्टिफिकेट और बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं करवाई। शहरियों को थानों में इंसाफ मिलना चाहिए। अगर हम थानों में इंसाफ नहीं दे सकते तो हमारी गाड़ियां, दीपांतर, हर चीज पे मायने हैं। पुलिस अफसरान किसी का मुकदमा ना रोकें। आयशी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का अल्हम्ब्रा में पुलिस मुलाजमन के स्पेशल बच्चों के हवाले से तकरीब से खिताब। क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद हफीज की भी शिरकत। डीजी रेंजर्स पंजाब से आईजी जेल खाना जांच की मुलाकात। पंजाब रेंजर्स के तमाम जेल अफसरान की ट्रेनिंग के मामलों पर तबादला ख्याल। आईजी ने जेलों की सिक्योरिटी पर भरपूर तावन की यकीन दहानी पर डीजी रेंजर्स का शुक्रिया अदा किया। सनतजार लाहौर में आर्ट एंड क्राफ्ट की नुमाइश के नकाब। तालिबात ने अपनी बनाई हुई अशिया नुमाइश में रखी। डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक कहते हैं सनतजार में सिखाया जाने वाला हुनर हर लिहाज से बेहतर है। खवातीन के काम की ऑनलाइन मार्केटिंग से भी हौसला अफजाई की जाएगी। और आईसीसी वन डे प्लेयर्स के रैंकिंग जारी। बाबर आजम का रैंकिंग में पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान के फखर जमान दूसरे नंबर पर आ गए। फखर जमान की न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के बाद 3 दर्जे तरक्की हुई। इमामुल हक 2 दर्जे, तनसली से 5वें नंबर पर चले गए। वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेसल का पहला नंबर बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जा तनसली के बाद 10वें नंबर पर चले गए।